कैंसर का इलाज कराने भिलाई आए राजनांदगांव निवासी बुजुर्ग से 35,000 रुपए व मोबाइल लूटने वाले ऑटो गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास लूट के 19,000 और मोबाइल को बरामद कर लिया है। बाकी पैसे आरोपियों ने पी खाकर उड़ा दिए थे। आरोपी जैकी सिंह, मुबारक हुसैन, हरदीप सिंह उर्फ बंटी और डोमिनिक फ्रांसिस को गिरफ्तार कर लूट की धारा के तहत कार्यवाही की गई। पहली बार हुआ है, लोग पहले चोरी करते हैं फिर लूट पे जाते हैं, तो सीधा लूट पे? लूट तो घर में वो करता ही नहीं, समझ रहे हो? सच सच बता दो, जेल तो जाओगे, यहाँ झूठ बोले क्या फायदा? नहीं सर, कुछ नहीं किया सर, कोई दारू पिया था लड़का, मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाले और पैसा कौन निकाला? ये निकाला। तो आप क्या कर रहे थे साथ में? साथ में बैठे थे भाई, वो तो प्लानिंग थोड़ी ऐसे ही हुई होगी, ऐसा थोड़ी है कि तुम चाकू चूकू भी रखते हो क्या? नहीं सर। हाँ क्या क्या कर रहे हो यहाँ से, चाकू लेके आओगे? चार दिन पूर्व ब्रिज, वाई ब्रिज के पास एक बुजुर्ग के साथ 35,000 रुपए की लूट, साथ में उसके मोबाइल को लूटा गया। बुजुर्ग जो है वो कैंसर पीड़ित था और अपने इलाज के लिए पैसे को रखा हुआ था। पुलिस ने करीब 25,000 CCTV और 500 ऑटो को चेक करने के बाद जो CCTV फुटेज में जो डिटेल्स आए थे उसके आधार पे एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ा, उसकी पहचान कराई गई, उसकी पहचान की पुष्टि हुई। उसके पास से चार लोग पकड़े गए। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि सुबह से शाम तक ये ऑटो चालक जो है अपने खराफी के साथ पूरे एरिया में लोग कस्टमर को रखते थे, जिस कस्टमर के पास पैसा होने की बात सामने आती थी उसके पास ये लूट करते थे। इनके द्वारा पिछले 2 साल से इस मॉडस ऑपरेंडी में कई लोगों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस बार एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग में CCTV फुटेज के आधार पर इनको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई किया गया। इन चारों लोगों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इनके खिलाफ जो है लूट की धारा में अंतर्गत 392 FIR जो है वो किया गया है पद्मापुर चौकी में। इनको पुराने अपराधों के बारे में भी पतासाजी किया जा रहा है। इसमें से एक अपराधी 2010 में पहले भी मारपीट की घटना में नामजद आरोपी है।